ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਅਤੇ ਵੀਕਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ www.apnapunjabmedia.com ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਈ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ NRI TV ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी च पुलिस की कार्रवाई की तुलना जलियांवाला बाग नाल की है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नौजवानों च बंब वर्गी ताकत होंदी है, उन्होंने ना भड़काओ। इस तो पहला उद्धव ने मंगलवार को महाअघाड़ी के विधायकों नाल बैठक की। इस बैठक दौरान उद्धव ने कहा कि देश च अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, मैनू समझ नहीं आया कि दिल्ली के लोग की करना चाहते हैं। इस देश के लोगों च तनाव और डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। इस ही उद्धव ठाकरे ने विधायकों को अपील की है कि तुहाडा नेता चोन खेतर तुहाडी जिम्मेदारी है, माचिस बालन की कोशिश हुंदी है। सानू ए यकीनी करन दी जरूरत है कि हरेक चोन खेतर च चीजा गलत ना हो। सैशन खत्म होने तो बाद जो तुसी चोन खेतर च आओ तो तुहानू ए यकीनी करना चाहिदा है कि तुहाडे खेतर च कुछ भी ना हो। पद्धति ने दिल्ली मध्ये त्या कंपाउंड मध्ये घुसून विद्यार्थ्यांवरती गोळीबार केला, जणू काही जालियनवाला बागेतले दिवस परत आले की काय। जालियनवाला बाग तो जो काय तिथे हिंसाचार घडला होता, तसं वातावरण या देशात पुन्हा निर्माण केले जाते की काय, असं भीतीचं वातावरण संपूर्ण देशात आणि युवकांच्या मनात केले जाते। आणि मला धास्ती याच गोष्टीचं वाटते की ज्या राज्यामध्ये ज्या देशामध्ये युवक जिथे बिथरतो ते तो देश स्थिर राहू शकत नाही। म्हणून मी केंद्र सरकारला सांगतोय की तुम्ही युवकांना बिथरवू नका। युवक हे आपल्या देशाचं हे भावी आधारस्तंभ आहेत, युवक ही आपली शक्ती आहे। आणि दरवेळेला प्रधानमंत्र्यांच्या भाषणामध्ये सीलमपुर च नागरिकता बिल के विरोध च हुई हिंसा तो बाद बुधवार नूं इस केस च दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज की है। जफाराबाद च हुई हिंसा की घटना से दिल्ली पुलिस ने IPC दी दंगे भड़काऊ और जनतक जायदाद नुकसान पहुंचाने के दोष च 2 FIR दर्ज की गई है। इस केस च 5 लोगों नूं हिरासत विच भी लिया गया है, हुण 6 दे गिरफ्तारी होने की सूचना है। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर ने जानकारी दी है कि नॉर्थ ईस्ट जिले च धारा 144 लागू कर दी गई है। नागरिकता सोध कानून विरुद्ध विरोध प्रदर्शन दौरान दिल्ली के जामिया नगर हिंसा अग्निकांड भन तोड़ के मामले पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार किए गए सारे दोषी अपराधिक पिठभूमि के हैं, इन्होंने कोई भी विद्यार्थी नहीं है। दसन योग है कि साउथ दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी च हुई हिंसा के सिलसिले च दिल्ली पुलिस ने 2 FIR भी दर्ज किए ने। नागरिकता सोध कानून नूं लैके पश्चिमी बंगाल च विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन दे ही दौरान एक बंब धमाके च हावड़ा दे पुलिस डिप्टी कमिश्नर अजीत सिंह यादव जख्मी हो गए हैं। दरअसल हावड़ा दे साकरा मनीकपुर इलाके च विरोध प्रदर्शन तेज होने तो बाद ओ भीड़ नूं हटाउण दी कोशिश कर रहे सन, उदों ही पुलिस ते प्रदर्शनकारियों ने बंब सुट दिता। इस धमाके च ओ जख्मी हो गए हैं, उन्हां नूं इलाज लई एक नजदीकी हस्पताल च दाखिल भी करवाया गया। जामिया माले यूनिवर्सिटी च विद्यार्थियों के पुलिस बल की वरतों से नागरिकता कानून खिलाफ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के विद्यार्थियों ने रोस प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों का कहना है कि जामिया मिलिया विच विद्यार्थियों से अन्ना तशद्दुद किया जा रहा है, कई दियां लत्तां बाहां तोड़ दित्तियां गईयां हन, इत्थों तक कि अन्ने विद्यार्थियों नूं भी बख्शा नहीं जा रहा। इस तरह की कार्रवाई की वह सख्त निखेधी करते हैं क्योंकि विद्यार्थियों का कसूर सिर्फ इन्ना कि वह सच का समर्थन करते हुए शांतिमय प्रदर्शन कर रहे सन। दिल्ली पुलिस की सन्मुखी कार्रवाई उस कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। विद्यार्थियों का कहना है कि नागरिकता कानून देश नूं फिरकू हिंसा विच वंडण वाला है, ये कानून उन्हां नूं मंजूर नहीं है ते सारे देश विच इसका विरोध हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरीका विच कहा कि हवाई फौज विच राफेल लड़ाकू जहाज के शामिल होने नाल भारत को पाकिस्तान विच आतंकवादी कैंपां नूं तबाह करन दे लई सरहद पार जाना नहीं पवेगा, बल्कि वह अपने देश तो ही काम कर सकणगे। सिंह 18 दसंबर नूं वाशिंगटन विच होने वाली अमरीकी भारत 2+2 मंत्री पद्धरी गलबात दे लई इत्थे पहुंचे हन। उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर एशिया सोसायटी विच भारतीयों दे कौंसलेट जनरल वल्लों आयोजित समागम विच भारतीय भाईचारे नूं संबोधन करते हुए भारत दे हथियारबंद बलां दे साहस ते वीरता दी शलाघा कीती। सिंह ने
ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ www.apnapunjabmedia.com ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਈ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ।